हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल होलिस्टिक फिटनेस विद ट्रांजी। दोस्तों, मेरा नाम है उर्वशी अग्रवाल, एक इंटरनेशनली सर्टिफाइड फिटनेस कोच हूँ, न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और मैं कर रही हूँ अ 21 डे इंच लॉस होम वर्कआउट सीरीज़ राइट हियर ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो अगर आप नए हैं और आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं बता दूँ कि आपने कम से कम 6 वर्कआउट मिस कर दिए हैं, बट घबराइए मत, सारे के सारे वीडियोज़ आर देयर ऑन माई चैनल। ओके, तो आप आज से स्टार्ट कर सकते हैं। एक स्ट्रक्चर्ड वर्कआउट प्लानिंग किया है मैंने फॉर नेक्स्ट 21 डेज, जिसके अंदर मैं एवरी ऑल्टरनेट डे आप सब लोगों के लिए एक ब्रांड न्यू वर्कआउट लेकर आने वाली हूँ जो आप मेरे साथ कर सकते हैं। ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है, परफेक्ट सीरीज है उन लोगों के लिए जो कि इंच लॉस चाहते हैं लेकिन उनको आइडिया नहीं है कि कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है, कहाँ से जर्नी स्टार्ट करनी है। ओके, और उन लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छा है जिनके पास ज़्यादा वर्कआउट इक्विपमेंट नहीं है, घर पे रह रहे हैं या बहुत ट्रैवल कर रहे हैं। ओके, क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द एक्सरसाइजेस में आपको चाहिए सिर्फ डंबल्स चाहिए होंगे या फिर हम बॉडी वेट करने वाले हैं। तो करना क्या आपको, आपको करना ये है कि सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वो बेल नोटिफिकेशन ऑन करिए और उसके बाद अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करिए आज ही से आपकी इंच लॉस जर्नी विद मी, क्योंकि आज हम करने वाले हैं वर्कआउट नंबर 7। सो दोस्तों, वर्कआउट नंबर 7 इज योर परफेक्ट एब्स वर्कआउट। परफेक्ट क्यों बोल रही हूँ, परफेक्ट इसलिए बोल रही हूँ कि जितने भी आपके मसल्स हैं आपके एब्स में, योर रेक्टस एब्डोमिनस विच इज योर सिक्स पैक मसल, योर ओब्लीक्स जिसको कि हम लव हैंडल्स बोलते हैं या साइड एब्स बोलते हैं, और एक डीप मसल होती है ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, ओके, जो आपकी वेस्ट को छोटा करने का, सिंच करने का काम करती है। ये सारी मसल्स पे आज हम वर्कआउट करने वाले हैं, बॉडी वेट एक्सरसाइजेस करने वाले हैं। ओके, सो इक्विपमेंट नीडेड इज नथिंग, मैं करूँगी एक्सरसाइज मैट पे सारी एक्सरसाइजेस। अगर आपके पास में नहीं है एक मैट तो आप एक बेडशीट यूज़ कर लीजिए या फिर आप कारपेट भी कर सकते हैं। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डू अ टोटल ऑफ 10 एक्सरसाइजेस। हर एक्सरसाइज हम करेंगे 30 सेकंड्स के लिए और ब्रेक लेंगे 20 सेकंड्स का, और इन सारे एक्सरसाइजेस के हम करेंगे अ टोटल ऑफ 2 राउंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज से हमारा परफेक्ट एब्स वर्कआउट। फर्स्ट एक्सरसाइज इज योर क्रंचेज। क्रंचेज इज फॉर योर सिक्स पैक, योर रेक्टस एब्डोमिनस मसल। तो उसके लिए आपको मैट पे लेटना है, इस तरीके से नीज को आप बेंड कर सकते हैं, हाथों को लीजिए, सपोर्ट करिए आपके नेक को, शोल्डर्स को यूज करते हुए आपको ऊपर आना इस तरीके से, लाइक दिस। ओके, सो लेट मी स्टार्ट द टाइमर फॉर यू गाइस, लेट्स स्टार्ट। क्रंचेस कर चुके हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज इज फॉर योर लोअर एब्स। ओके, लोअर पार्ट ऑफ रेक्टस एब्डोमिनस लेग ड्रॉप्स, पाम्स को आप रखेंगे हिप्स के नीचे एंड लेग्स को सीधा करिए और इस तरीके से आपको ये मूवमेंट परफॉर्म करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। एब्स एंगेज्ड, नेवल टू द स्पाइन, कीप योर लोअर बेली टाइट, कीप ब्रीदिंग एंड गो। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है दोस्तों वो है हमारे लव हैंडल्स के लिए। ओके, सो उसके लिए आपको इस पोजीशन में आना है, आर्म राइट अंडर योर शोल्डर, नीज को बेंड करिए एंड हम साइड क्रंचेस करेंगे, ऑब्लिक क्रंचेस लाइक दिस। ओके, लेट्स स्टार्ट।
we are going to do the same exercise on the other side for these obliques as well. So arm right under your shoulders, dono knees ko bend karenge, pet ko andar rakhiye, and hum karenge crunches for our love handles. Okay, so stay ready, let's start. नेक्स्ट एक्सरसाइज इज बाइसिकल्स. अब हम करने वाले हैं थोड़ी सी हाई इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइजेस, डिफिकल्ट एक्सरसाइजेस की तरफ बढ़ रहे हैं. बाइसिकल क्रंचेस वर्क्स ऑन ऑल द मसल्स इन योर एब्स. इस तरीके से आपको ये मूवमेंट परफॉर्म करना है. ओके, लेट्स स्टार्ट. लिफ्ट योर हेड अप एंड स्टार्ट. Okay, so next exercise is one very good exercise called mountain climbers. बहुत अच्छी exercise है because it works on all the muscles in your abs. So get into this plank position and हम करेंगे knee to elbow movement. Okay, let's start. Mountain climbers is done. Next exercise is your double crunches. Again, it works on all the muscles in your abs. Okay? Arms above your head. This is the movement you have to perform. Let's start. Double crunch. All right, double crunches ho gaya hai. Now we're going to do one more exercise for your love handles and for your six pack muscle. Bent knee wipers. Arms here, knees ko bend kariye, and you have to move your legs sideways. Okay, let's start. Next exercise is a very good exercise, it's called tuck ins. Okay, lower belly ke liye aur aapke pure abs ke liye waise to, but lower belly specially. Arms ko yahan rakhenge and we're gonna tuck in and straighten, tuck in and straighten. Okay, let's start. So tuck, straighten. And we are done.
नेक्स्ट एक्सरसाइज इज द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस राउंड. ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम एब्स करें और प्लैंक ना करें. सो यू हैव टू जस्ट होल्ड द प्लैंक फॉर 30 सेकेंड्स. इस तरीके से आपको प्लैंक होल्ड करना है. नीचे की तरफ देखिएगा एंड स्क्वीज योर एब्स. लेट्स स्टार्ट. Alright friends, we are done with round number 1 of all these 10 exercises. अब हम दोबारा से start करेंगे round number 2. So आ जाइए आपके mat पे. हम करने वाले हैं one more time crunches. Lie down on the mat and let's start. Next exercise is your leg drops. So put your palms under your hips, everyone. Or leg straight kariye. And then we're going to do this exercise called leg drops. Okay? Let's start. Straighten your legs. Next exercise is your for your obliques called your side plank crunches. Okay, so lie down in this position, knee on top of each other, pull your belly in and crunch sideways. ओके पीपल फ्रेंड्स, हम लोग सेम एक्सरसाइज हमारे लेफ्ट साइड पे भी रिपीट करने वाले हैं. लेफ्ट ऑब्लिक्स के लिए इसी पोजीशन में रहना है आपको. आर्म्स राइट अंडर योर शोल्डर, नीज ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, लोअर बेली को इन करिए एंड लेट्स स्टार्ट. नेक्स्ट एक्सरसाइज इज बाइसिकल क्रंचेस, जो कि आपके सारे एब मसल्स पे वर्क करती है. बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है. लाई डाउन ऑन द मैट एंड लिफ्ट योर हेड अप एंड दिस नी टू एल्बो मूवमेंट करना है. लेग्स को स्ट्रेट रखना है, ऑल्टरनेट लेग्स को. ओके लेट्स स्टार्ट. Thank you.
bicycle crunches ho gaya hai. Next exercise is your mountain climbers. Mountain climbers bhi ek aisi exercise hai jaisa maine aapko bataya hai, it works on all the ab muscles. Okay, so aa jaiye high plank mein and knee to elbow movement aapko perform karna hai. Let's start. नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो है आपकी डबल क्रंचेस. अगेन इट वर्क्स ऑन द एंटायर सिक्स पैक मसल. सो लाई डाउन ऑन द मैट एंड इस तरीके से आपको डबल क्रंच करना है. स्ट्रेटन योर आर्म्स एंड लेग्स. लेट्स स्टार्ट. And we are done. Next exercise is for your obliques. Love handles ke liye hai. Bent knee wipers. So you can keep your arms here. Okay? And then bend your knees. And start performing this movement called wipers. Let's start. And we are done, people. Next exercise is for your lower abs, mainly tuck-ins. उसके लिए आपको मैट पे इस तरीके से बैठना है. Alright? And keep your arms under your shoulders and do this tuck-in movement. Okay? Let's start. Alright, we are left with one last exercise in this round, which is called your plank. Plank एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है जो आपके सारे ab muscles पे वर्क करती है और आपके कोर पे भी वर्क करती है. So let's get into the plank position, everyone. Arms right under your shoulders, legs को straight करिए and hold. Alright friends, so आज का हो गया है वर्कआउट फिनिश. दिस वॉज योर परफेक्ट एप्स वर्कआउट. दोस्तों अगर आप मेरे साथ में रेगुलरली वर्कआउट कर रहे हैं या आप पहली बार ये वर्कआउट कर रहे हैं तो मैं एक बहुत ज़रूरी बात आपको बताना चाहती हूँ. जो हमारे एब्स बिल्डिंग होता है उसके लिए एब्स ये सारी एक्सरसाइज स्ट्रॉन्ग बनाएंगी, डेफिनेटली बनाएंगी. लेकिन अगर आपको फैट रिमूव करना है यहाँ से, क्योंकि जब आपका फैट रिमूव होगा तभी आपके एब्स यू नो फ्लैट होंगे या मसल्स दिखना स्टार्ट होंगे. उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक कैलोरी डेफिसिट में रहें. ओके, अगर आप चाहते हैं डिटेल में एवरीथिंग अबाउट फैट लॉस, देन आई एम गोइंग टू लिंक माई वीडियो
द बिगेस्ट सीक्रेट टू फैट लॉस राइट हियर, ओके, स्क्रीन पे, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक ड्रॉप कर दूंगी. आप उसको देखिए और समझिए कि फैट लॉस कैसे होता है. ऑलराइट, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर यू. ऑलराइट, अगर आपको मेरे सारे वीडियोस अच्छे लगते हैं देन प्लीज़ वन मोर टाइम आई रिक्वेस्ट सब्सक्राइब टू माई चैनल, टर्न ऑन दैट बेल नोटिफिकेशन. इफ़ यू लाइक माई वीडियोज देन प्लीज़ कीप ऑन लाइकिंग दैम, कॉमेंट्स करके मुझे बताइए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में. अगर आपको मेरा और भी कुछ आपको क्वेश्चंस हैं मेरे साथ में, कुछ भी आपको पूछना है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं. आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं. ओके, टिल वी मीट अगेन एवरीवन, टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड बाय.